तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेन्द्र। छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छड़ाला के अंतर्गत हम मुनिराज के शुद्धोपयोग का वर्णन कर रहे हैं। उनका किस प्रकार का स्वरूपाचरण चरित्र होता है इसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। उसी चर्चा को मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसाहूणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। चलो महावीर भगवान की जय। हमने मुनिराज की उस ध्यान अवस्था का वर्णन प्रारंभ किया कि जिस ध्यान के द्वारा कर्मों का क्षय होता है, अर्थात मुनिराज के स्वरूपाचरण चरित्र की चर्चा हमने प्रारंभ की है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं कि अगले दोहे में दौलत राम जी क्या वर्णन करते हैं। जहाँ ध्यान ध्याता देय को न विकल्प वच भेद न जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया था तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगटी जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एकेलसा। भावार्थ, जिस आत्म ध्यान की अवस्था में ध्यान ध्याता और ध्येय का कोई भेद नहीं रह गया है और ना वचन का विकल्प है, वहाँ चेतना ही कर्म, चेतना ही कर्ता और चेतना ही क्रिया है। ये तीनों अर्थात कर्म, कर्ता एवं क्रिया एक ओर परस्पर बाधा रहित हो गए हैं। यह शुद्धोपयोग की स्थिर अवस्था है, जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन होते हुए भी एक होकर शोभायमान होते हैं। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन जहाँ, अर्थात जहाँ ध्यान ध्याता और ध्येय का किसी प्रकार का भेद नहीं रहा। क्या है ये ध्यान, क्या है ध्याता और क्या है ध्येय, तीन चीजें यहाँ कही है। एक ध्याता, एक ध्यान और एक ध्येय। तो ध्याता अर्थात ध्यान करने वाला पुरुष करता है, वह ध्याता है, और ध्याता का जो कर्म है वह ध्यान है। ध्यान एक क्रिया है, ध्यान एक कर्म है। ध्याता पुरुष अर्थात ध्यान करने वाला ध्याता कहा जाता है, और जो किया जाता है उसका नाम है ध्यान। और ध्यान में जिसे लक्ष्य किया जाता है, जिसका ध्यान किया जाता है, वह होता है ध्येय। ध्यान करने वाला ध्याता, जिसका ध्यान किया जाता है वह ध्येय। और ध्यान एक क्रिया का नाम है। किसे कहते हैं ध्यान? तो यदि हम तत्वार सूत्र देखें तो तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने ध्यान का लक्षण कहा है कि उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मूर्तात्। अर्थात एक को अग्र करके जो चिंताओं का निरोध होता है उसी का नाम है ध्यान।
किसी एक विषय में चित्त का रुक जाना उसका नाम है ध्यान। जब हमारा मन समस्त अन्य प्रकार के विकल्पों से हटकर किसी एक विषय के अंदर स्थिर हो जाता है तो उसी का नाम ध्यान कहा जाता है, और ऐसा ध्यान अंतर्मुहूर्त काल से अधिक काल तक नहीं होता। और जो धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान उत्तम सहनन वालों के ही होता है। जिस शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्म का क्षय होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह शुक्ल ध्यान उत्तम सहनन अर्थात वज्रषम नाराज सहनन वाले जीवों को होता है। दो प्रकार की श्रेणी होती है, एक होती है उपशम श्रेणी, एक होती है छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी वाला जीव 11वें गुणस्थान तक पहुंचकर पुनः नियम से नीचे आता है, और छपक श्रेणी वाला जीव 8वें 9वें 10वें और 12वें गुणस्थान को प्राप्त करके नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, नियम से 13वें गुणस्थान को प्राप्त करता है। और वही अनंत जीव एक दिन नियम से कर्मों का क्षय करते हुए सिद्ध पद को प्राप्त करता है। तो छपक श्रेणी कर्मों का क्षय करते हुए होती है, और उपशम श्रेणी कर्मों का उपशम अर्थात कर्मों को दबाते हुए होती है। इन दोनों प्रकार की श्रेणियों में ही शुक्ल ध्यान होते हैं। इन दोनों श्रेणियों के स्वामी उत्तम जो सहनन होते हैं उनके धारी होते हैं, अर्थात उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव प्रथम जो तीन सहनन है उनका धारी होना चाहिए, और छपक श्रेणी वही जीव चढ़ता है जो वज्रषम नाराज सहनन का धारी होता है। वज्रषम नाराज सहनन के अलावा अन्य किसी जीव में छपक श्रेणी चढ़ने की पात्रता नहीं होती है। तो ऐसा जो उत्तम सहनन वाला जीव है उसका किसी एक को अग्र करके जो चिंताओं का निरोध होना है उसी का नाम है ध्यान। और यह ध्यान अंतर्मुहूर्त काल तक भी यदि हो जाए, अर्थात यदि आत्मा का ध्यान यदि जीव अंतर्मुहूर्त काल तक भी कर ले, तो उसका फल है केवल ज्ञान की प्राप्ति, कर्मों का क्षय। वास्तव में जब अपनी आत्मा का ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। आत्मा में स्थिरता यदि अंतर्मुहूर्त काल के लिए भी हो जाए तो इस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। समयसार ग्रंथ के अंदर एक कलश के भावार्थ में कहा गया है कि 48 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, अर्थात अंतर्मुहूर्त जो हम शब्द कहते हैं कि अंतर्मुहूर्त यदि जीव आत्मा में स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो अनेक अर्थ अंतर्मुहूर्त का यह अर्थ लगाते हैं कि अंतर्मुहूर्त माने 48 मिनट। वास्तव में अंतर्मुहूर्त का अर्थ 48 मिनट नहीं है, 48 मिनट तो मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के अंदर अंदर का जो काल है उसको अंतर्मुहूर्त कहा जाता है। और वह काल 48 मिनट नहीं, वह 48 मिनट के अंदर होना चाहिए। 48 मिनट के अंदर तो वह 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी, ये सब अंतर्मुहूर्त के भेद है। अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं। तो जो जीव 2 घड़ी तक, अरे 2 घड़ी क्या, 2 घड़ी के भी भीतर भीतर तक यदि वह अपने स्वरूप में रहे, परिसर के आने पर भी डिगे नहीं, उपसर्ग के आने पर भी डिगे नहीं, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो बहुत दूर, सम्यक चरित की परिपूर्णता होकर वह जीव केवल ज्ञान पद को प्राप्त करता है। तो मुनिराज की यहाँ चर्चा चल रही है कि वे मुनिराज जो अपने आत्मस्वरूप में लीन होते हैं और अंतर्मुहूर्त काल तक वे अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं तो उस ध्यान के फल से वे केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं। तो उस ध्यान की बात यहाँ की जा रही है कि जब मुनिराज अपने शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तब उन्हें ध्यान ध्याता ध्येय का किसी प्रकार का भेद नहीं होता। किस प्रकार से ध्यान ध्याता देह का भेद नहीं होता, इसको हम एक अल्पविराम के बाद समझें। जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हमने चर्चा की थी कि मुनिराज को ध्यानावस्था में ध्यान ध्याता देह का भेद नहीं होता, अर्थात ये तीन प्रकार के भेद नहीं होते, मैं ही ध्यान हूँ, मैं ही ध्याता हूँ और मैं ही ध्येय हूँ। मेरा आत्मा ही ध्येय, मेरा आत्मा ही ध्याता है, और आत्मा में जो रमणता है वही ध्यान है। अर्थात जो तीन प्रकार के जो भेद है वो तीनों प्रकार के भेद जहाँ मिट जाते हैं, ऐसी दशा जहाँ प्रकट होती है उसका नाम है शुद्धोपयोग दशा, और ये शुद्धोपयोग दशा मुनिराज के प्रकट होती है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन जहाँ, अर्थात जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, ये विकल्प नहीं है कि हमें किसका ध्यान करना है, कौन ध्याता है,
ध्यान कैसा होता है, ये सारे विकल्प जहाँ मिट जाते हैं और जहाँ एक अभेद आत्मा में रमणता होती है, लीनता होती है, उसका नाम है शुद्धोपयोग दशा। और ऐसी शुद्धोपयोग दशा सातवें गुण स्थान के ऊपर मुनिराज के शुक्ल ध्यान की अवस्था में होती है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प, अर्थात ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं है, और क्या नहीं है, न वच भेद न जहां, जहां वचन का भी भेद नहीं है, अर्थात जहां वचनों के जो जल्प रूप विकल्प होते हैं वो भी जहां नहीं है। वचनों से वस्तु में जो भेद किया जाता है, वचन से जो वस्तु को समझा जाता है, वचनों की जो अंतरंग में प्रवृत्ति चला करती है, वो सब जहां विलय को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जहां वचनों का भी भेद नहीं है, वचन का भेद नहीं है, अर्थात कि मेरे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है, इस जाति के जितने भी वचनों के विकल्प है, वचनों के भेद है, वे सब जहां विलय को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी दशा का नाम शुद्धोपयोग दशा है। वास्तव में आत्मा वचनातीत अवस्था में प्रकट होती है, और यही कारण है कि आत्मा को विकल्पातीत और वचनातीत कहा गया है। ग्रंथ में तो यहां तक भी कहा गया है कि जो निश्चय नहीं होता है वह वचनातीत होता है। वचन जहां तक है तब तक व्यवहार है, क्योंकि वचन वस्तु में भेद डालते हैं। जैसे हमने कहा आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है, तो आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र है, इस प्रकार का जो कहना है वो वस्तु में भेद डालना है, क्योंकि आत्मा कोई अलग नहीं है और ज्ञान, दर्शन, चारित्र कोई अलग नहीं है कि आत्मा में हमने ज्ञान, दर्शन, चारित्र डाल दिए, पहले आत्मा और बाद में ज्ञान, दर्शन, चारित्र उसमें आए हो, ऐसी बात नहीं है। अनादिकाल से आत्मा है और अनादिकाल से आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्रमय है। तो आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र कहना यह व्यवहार है। उसी प्रकार आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्रमय है, यह भी एक प्रकार से वचन है, और इसलिए वचन होने से यह भी विकल्पों का उत्पत्ति का करने वाला है, और यह भी व्यवहार है। वास्तव में आत्मा तो विकल्पातीत और वचनातीत है। आत्मा तो अनुभव में जब आती है तभी वास्तव में वह निश्चय नय का विषय बनता है, इसलिए वास्तव में आत्मा अनुभव गोचर है। वचन जब तक है तब तक उसका अनुभव नहीं है, जब वचनों से भी हम पार हो जाएंगे तब उस आत्मा की अनुभूति प्रकट होगी। तो इसलिए कहा न विकल्प न वच भेद न तहां। और आगे कहते हैं चित भाव कर्म चिदेश करता। चित भाव अर्थात आत्मा का जो भाव है, चैतन्य स्वरूप भाव, चित अर्थात चैतन्य, चैतन्य स्वरूप जो भाव है, चित भाव, वही आत्मा का कर्म है। आत्मा का क्या कार्य है, हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्म चैतन्य, चैतन्य स्वरूप ही हमारा कर्म है, अर्थात ज्ञान, दर्शन ही हमारा कर्म है। जानना और देखना ही हमारा कार्य है, जानने देखने के अलावा आत्मा का अन्य कोई कार्य नहीं है। चित भाव कर्म अर्थात चैतन्य रूप, ज्ञान दर्शन रूप, जानने देखने रूप जो कार्य है वही आत्मा का कर्म है। चित भाव कर्म चिदेश करता। चित अर्थात चैतन्य, ज्ञान दर्शनमय, उसका ईश्वर चिदेश कहा जाता है। चित चैतन्य और चैतन्य का ईश अर्थात चैतन्य का स्वामी वह चिदेश, तो चैतन्य का स्वामी आत्मा वही वो करता है। चित भाव कर्म चिदेश करता। चेतना क्रियाता। और उस आत्मा की कैसी क्रिया है, चैतन्यमय ही उसकी क्रिया है। जानने देखने रूप, चैतन्य रूप, ज्ञान दर्शन रूप, यही उसकी क्रिया है। चैतन्य ही, चेतना ही जहां क्रिया है, चैतन्य का ईश्वर आत्मा ही जहां करता है, और चैतन्य रूप भाव ही जहां कर्म है। अर्थात ये जो तीन प्रकार के कर्ता, कर्म, क्रिया के जो भेद होते हैं, वे भेद भी जहां विलय को प्राप्त हो गए। चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहा। समयसार ग्रंथ में आत्मा को ज्ञान दर्शन स्वरूप कहा गया है। यह जीव अपने आप को भले ही स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद वाला माने, हम भले ही अपने को ये माने कि मैं परिवार वाला हूं, मैं कुटुंब वाला हूं, मैं समाज वाला हूं, मैं मकान वाला हूं, मैं दुकान वाला हूं, लेकिन वास्तव में भगवान जिनेंद्र ने इस आत्मा को ज्ञान दर्शन मय देखा है। भगवान जिनेंद्र के ज्ञान में हम जैसे दिखाई दिए हैं, यदि हम अपने आप को वैसा देखते हैं तो हमारा ज्ञान सच्चा है,
और भगवान जिनेंद्र के ज्ञान में दिखाई दे कुछ और हमारे ज्ञान में दिखाई दे कुछ और, तो किसी न किसी का ज्ञान झूठा है। तो भगवान जिनेंद्र का ज्ञान तो सच्चा है क्योंकि वे सर्वज्ञ, तीन लोक तीन काल को यथार्थ रूप में जानते हैं। तो ज्ञान हमारा झूठा है, हम अपने को जो स्त्री पुत्र वाला, बाल बच्चों वाला, परिवार वाला, कुटुंब वाला देखते हैं, वास्तव में वह मिथ्या है। आत्मा तो ज्ञान दर्शनमय है। मुनिराज अपने स्वरूप को यथार्थ रूप में देखते हैं और अपने आत्मा को चैतन्य स्वरूप अनुभव करते हैं। मात्र ज्ञान दर्शन जितना अनुभव करते हैं, संसारी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव अपने को ज्ञान दर्शन जितना ही अनुभव नहीं करता है, वह अपने आत्मा को ज्ञान दर्शन वाला भी कहता है और रुपये पैसे मकान दुकान वाला भी कहता है, जबकि आत्मा मात्र ज्ञान दर्शन रूप जितना है। जितना ज्ञान है, जितना दर्शन है, उतना ही आत्मा है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन से अतिरिक्त नहीं है। जितना ज्ञान दर्शन उतना ही आत्मा। यदि आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को छोड़कर पुद्गल रूप हो जाए तब तो आत्मा यह कह सकता है कि पुद्गल रूप हूं। अर्थात आत्मा यदि रुपये पैसे मकान रूप हो जाए, बाल बच्चे रूप हो जाए, तब तो आत्मा का यह कहना बन सकता है कि वह स्त्री पुत्र मकान रूप है, बाल बच्चे रूप है। लेकिन आत्मा कभी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं, आत्मा कभी अपने चैतन्य स्वभाव को, ज्ञान दर्शन स्वभाव को छोड़ता नहीं। इसलिए आत्मा का यह कहना कि मैं स्त्री पुत्र मकान जायदाद वाला हूं, ये बिल्कुल मिथ्या है। आत्मा का स्वभाव तो मात्र चैतन्य रूप है। तो जहां चैतन्य ही उसकी क्रिया है, जहां चैतन्य का कर्ता आत्मा उसका कर्ता है, और जहां चैतन्य चित स्वभाव, जहां उसका स्वभाव है अर्थात जहां उसका कर्म है, इन तीनों की जहां एक रूप दशा होती है, अर्थात तीनों यहां जहां अभिन्न रूप दशा को प्रकट होते हैं, उसी का नाम है शुद्धोपयोग दशा। और मुनिराज की किस किस प्रकार की अवस्था होती है, इसका हम एक अल्पविराम के बाद पुनः वर्णन करेंगे। जय जिनेंद्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। मुनिराज की शुद्धोपयोग दशा का वर्णन हम कर रहे हैं, उसमें हमने कहा कि जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहा तीनों अभिन्न, अर्थात चिद्भाव चिदेश और चेतना, ये तीनों जहाँ अभिन्न अर्थात तीनों अभेद दशा को प्राप्त होते हैं, तीनों अभिन्न अखिन्न अर्थात जहां किसी प्रकार का खेद नहीं होता, शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, ऐसी जो शुद्धोपयोग की निश्चल दशा मुनिराज के वर्तती है, अर्थात जहां कर्ता कर्म क्रिया के भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही दिखाई देता है, वही चैतन्य स्वरूप आत्मा, वही कर्ता कर्म और क्रिया, इन तीनों रूप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा दिखाई देता है, तो वहां शुद्धोपयोग की निश्चल दशा प्रकट होती है। तीनों अभिन्न अर्थात तीनों अभेद रूप को प्राप्त होते हैं, अखिन्न अर्थात किसी प्रकार का खेद नहीं है, शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, ऐसी जहां शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रकट होती है। आगे कहते हैं, प्रगटी जहां द्रग ज्ञान व्रत ये तीन धा एके लशा, प्रगटी जहां द्रग ज्ञान व्रत ये तीन धा एके लशा, अर्थात जहां दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों एक स्वरूप हो जाते हैं, रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इन तीनों के भेद भी जहां विलय को प्राप्त हो जाते हैं। रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, यह हमने भेद नय की अपेक्षा से कहा अर्थात भेद करके कथन किया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चैत्र, जहाँ तीनों एक रूप होकर आत्मा में प्रकाशमान होते हैं, उस दशा का नाम है शुद्धोपयोग दशा। ये सारी दशाएं मुनिराज को ध्यान अवस्था के काल में प्रकट होती है। यहाँ जिस दशा का वर्णन किया जा रहा है वो वास्तव में शुक्ल ध्यान रूप अवस्था है, अर्थात जहाँ मुनिराज को शुक्ल ध्यान प्रकट होता है, उस अवस्था में कैसी उनकी अंतरंग परिणति होती है, उस सबका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। इस शुक्ल ध्यान के प्रभाव से ही कर्मों का क्षय होता है। उपशम श्रेणी अथवा छपक श्रेणी में ही शुक्ल ध्यान प्रकट होता है। सातवें गुणस्थान तक धर्म ध्यान है,
और सातवें गुणस्थान के ऊपर शुक्ल ध्यान मुनिराज के प्रकट होता है। और शुक्ल ध्यान के अंदर वचनों के विकल्पों का अस्त हो जाता है, और शुक्ल ध्यान में षट कारक के भेद अस्त हो जाते हैं, अर्थात समस्त प्रकार से एक आत्मा ही जहाँ प्रकाशमान होता है। शुक्ल ध्यान का वर्णन मुनिराज ने तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य महाराज ने वर्णन किया है कि शुक्ल ध्यान में पहले पृथकत्व वितर्क विचार। शुक्ल ध्यान में यह जीव नाना नाना प्रकार के योगों में संक्रांत होता है, एक वचन से दूसरे वचन के अंदर संक्रांत होता है, द्रव्य से गुण में और गुण से पर्याय में आता है। लेकिन जब एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान को प्राप्त होता है तब किसी एक वस्तु के अंदर, अर्थात यदि द्रव्य का चिंतन करते हैं तो मात्र द्रव्य का चिंतन करते हैं, जहाँ गुण का चिंतन करते हैं तो मात्र गुण का चिंतन करते हैं, किसी एक पर्याय का चिंतन है तो उस पर्याय का चिंतन है, अर्थात जहाँ संक्रांति नहीं होती, किसी एक योग में स्थित हो जाते हैं, ऐसी दशा के अंतर मुनिराज ध्यानस्थ होते हैं और उस दशा में उनके ऊपर उपसर्ग होता है, परिश्रय होता है, लेकिन वे उस उपसर्ग परिश्रय को भी नहीं गिनते। वास्तव में वे अपने आत्मा आनंद में इतने मग्न होते हैं कि बाहर के उपसर्ग परिश्रय का उन्हें रंच मात्र भी दुख नहीं होता। आपने अनेक मुनिराजों के शास्त्र में उदाहरण पढ़े होंगे, गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जलाई गई, लेकिन उन्होंने सिगड़ी के दुख का अनुभव नहीं किया, वे तो अपने आत्मा के आनंद को अनुभव करते रहे। यही कारण है कि उनके शुक्ल ध्यान प्रकट होकर चार घाती कर्मों का क्षय हो गया। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया, लेकिन मुनिराज पार्श्वनाथ अपनी ध्यान अवस्था में लीन रहे, कमठ अपने उपसर्ग करता रहा, लेकिन उन्होंने उस उपसर्ग की परवाह नहीं की, वे तो अपने आत्मस्वरूप में मगन रहे। लोग कहते हैं उनके ऊपर कैसे कठिन कठिन भयंकर उपसर्ग हुए, लेकिन जब उन्होंने शरीर पे से ममत्व हटा दिया, जब उन्होंने शरीर पे से उपयोग हटा दिया, जब वे आत्मा की ध्यान अवस्था के अंदर अथवा आत्मा में ध्यानस्थ हो गए, तब उन्हें यह भी विकल्प नहीं रहा कि हमारे साथ में शरीर भी है। मुनिराज जब ध्यान अवस्था में लीन हो जाते हैं और जब ध्यान से बाहर आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि यह शरीर भी अब तक हमारे साथ है, अन्यथा तो वे अपने आप को शरीर से भिन्न ऐसा पृथक अनुभव करते हैं कि उन्हें ये खबर ही नहीं होती कि यह शरीर अब तक हमारे साथ भी लगा हुआ है। यही कारण है कि उनके शरीर के ऊपर नाना नाना प्रकार के उपसर्ग होते हैं, अनेक प्रकार के शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन वे शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शरीर के कष्ट का रंच मात्र भी अनुभव नहीं होता। तो यहाँ हमने चार बातें कही। सबसे पहली बात कही कि जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता, जहाँ किसी प्रकार के वचनों के भेद रूप विकल्प नहीं होते, अर्थात जहाँ वचन के भेद नहीं होते, वचनों में जीव नहीं अटकता, और जहाँ चैतन्य स्वरूप आत्मा ही कर्म है, चैतन्य स्वरूप आत्मा ही क्रिया है और चैतन्य स्वरूप आत्मा ही करता है, जहाँ किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, अर्थात अबाधित रूप से वह आत्म स्वरूप में लीन हो गए हैं, और जहाँ दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीनों एक आत्मा स्वरूप में ही प्रकाशमान होते हैं, अर्थात आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, इस प्रकार का विकल्पों का अवकाश या नहीं है, आत्मा ही दर्शन, आत्मा ही ज्ञान, आत्मा ही चारित्र है, ऐसी दशा जहाँ मुनिराज के प्रकट होती है उसे हम कहते हैं शुद्धोपयोग दशा, और इस शुद्धोपयोग के फल से मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यद्यपि इस शुद्धोपयोग अवस्था का काल अंतर्मुहूर्त मात्र ही कहा है, लेकिन उस अंतर्मुहूर्त ध्यान के बल से यह अनंत काल की जो कर्मों की परंपरा थी उसको क्षय करने में समर्थ होता है। वास्तव में ध्यान का काल अंतर्मुहूर्त ही कहा गया है। जिस प्रकार से दीपक की बत्ती यदि चंद्रपुर भगवान की टोक पर रखी जाए तो वह दीपक कितने समय तक जल सकता है, यदि थोड़े समय तक के लिए भी जल जाए तो यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उसी प्रकार आत्मा यदि अंतर्मुहूर्त काल के लिए भी अपने स्वरूप में लीन हो जाए तो उसके फल से जो अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के बंधे हुए कर्म हैं वे सब अंतर्मुहूर्त ध्यान के बल से क्षय हो जाते हैं। इसलिए भले ही आत्मा के अंदर कितने ही कर्मों की सत्ता पड़ी हो, लेकिन ध्यान की इतनी ताकत है कि अंतर्मुहूर्त ध्यान के द्वारा अनादिकाल की कर्म संतान को और अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के कर्मों को क्षय किया जा सकता है। तो यहाँ उस शुद्धोपयोग दशा का वर्णन किया जा रहा है और हम सबको ये प्रेरणा दी जा रही है कि हम आगामी काल में मुनि अवस्था धारण करके
ऐसी शुद्धोपयोग दशा को प्रकट करे जिसके फल से हम आप सबके जीवन में एक दिन केवल ज्ञान प्रकट हो और मोक्ष दशा को प्राप्त करें। आगे और क्या क्या है मुनिराज की शुद्धोपयोग दशा का वर्णन, इसको हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। पाठशाला सार। जब तक ध्यान ध्याता ध्येय ज्ञान दर्शन चारित्र रूप भेदों का भी विकल्प है, तब तक आत्मानुभव जनित निराकुल आनंद की अनुभूति नहीं होती। अतः निराकुल आनंद को भोगने के लिए समस्त विकल्पों का त्याग कर देना चाहिए।